बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान के शहर कराची में एक्सपो सेंटर में, और आज यहाँ पर 17वीं बुक्स फ़न की नुमाइश की जा रही है। हम सब जानते हैं कि किताब एक बेहतरीन दोस्त हुआ करती है, लेकिन जिस तरह ज़िंदगी में सोशल मीडिया ने तरक्की की है, इसके बाद से किताब की अहमियत कम होती गई है। इसी किताब की अहमियत को उजागर करने के लिए कराची एक्सपो सेंटर में एक नुमाइश का इनेकाद किया गया है, और हम जहाँ मौजूद हैं, मैं इस वक्त प्रेजेंट कर रहा हूँ अराइट स्कूल मलिर 15 के कैंपस को, और उसके बाद हम देखेंगे कि इस सेशन में कितने लोग ऐसे हैं जो कि इस यहाँ विज़िट करेंगे, अंदर के तमाम मनाजर आपको दिखाएंगे, और उसके बाद उन लोगों से आपके इंटरव्यू भी करवाएंगे, और जानने की कोशिश करेंगे कि किताब की अहमियत आज के सोशल मीडिया के दौर में किस कदर अहमियत की हामिल हुई है। मैं इस वक्त मौजूद हूं कराची सेंटर में, और मेरे बैग पे आप लोग देख रहे हैं दुआ पब्लिकेशंस लाहौर की एक बहुत मायनेस बुक कंपनी है। मेरे साथ मौजूद हैं क्लास एट की मीरब और फरियाल। हम जानने की कोशिश करते हैं कि बुक्स के बारे में इनकी क्या राय है। बेटा, ये जो आपने आज की तकरीब देखी है, इसके बारे में भी क्या राय है? ये जो है बुक है, एक तालीम है, हम इसको अपने स्कूल से प्रेजेंट करने आए हैं, बुक की अहमियत जानने आए हैं। किताब की आप लोग कौन से स्कूल से आए? अलाइड स्कूल मल सिटी कैंपस से आए। बेटा, आपने बुक्स कब से पढ़ना शुरू किए और कब बंद किए हैं? बुक्स हमें जब से हम स्कूल ज्वाइन किया, वब से हम बुक्स पढ़ना स्टार्ट हुए, और हमें किताब पढ़ने का बहुत शौक़ है। जैसा कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और आप जानते हैं कि हर चीज़ बुक में उसमें मोबाइल में मौजूद है, लेकिन क्या आपने मोबाइल के अलावा बुक्स को कभी पढ़ने की कोशिश की है? जी। कौन सी बुक्स आपने पढ़ी हैं? हमने बहुत सारी इंफॉर्मेटिव, जैसे मैप्स के बारे में, जियोग्राफी, बायोलॉजी, कंप्यूटर, इस तरह की। ओके। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची बुक सेंटर में, और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे स्कूल एलाइड स्कूल की सीनियर टीचर, जो कि 10 साल से इस पेशे से वाबस्ता हैं, टीचिंग के पेशे से। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आज की बुक्स के बारे में उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम उस्मा सईद है, और मैं अलाइड में तकरीबन 10 साल से काम कर रही हूँ। मैं समझती हूँ सोशल मीडिया के आने से जो बुक की अहमियत बहुत ज़्यादा कम हो गई है, स्पेशली हमारी न्यू जनरेशन जो है वो बुक से, किताबों से उनकी दोस्ती जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो के रह गई है, और वो आजकल जो है वो सिर्फ मोबाइल में, सोशल मीडिया पर, और इंटरनेट है, यूट्यूब है, उसको देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, ये जो यहाँ पर नुमाइश का इनेकाद किया गया, आप क्या समझते हैं कि ऐसी किताबों की नुमाइश होती रहनी चाहिए? बिल्कुल, आपने सही कहा कि ऐसी किताबों की नुमाइश जो है वो होती रहनी चाहिए। ये हमारे लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट होती है, इस तरह की जो एग्जीबिशंस होती हैं, नुमाइश होती हैं, बुक फेयर्स होते हैं, वो एक न्यू जनरेशन के लिए स्पेशली
बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ें हैं और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं एक्सपो सेंटर कराची के हॉल नंबर 1 में। मेरे साथ मौजूद हैं एलाइड स्कूल के मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट अली। हम अली से जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने जो विज़िट किया अब तक, वो उनका विज़िट किस तक कामयाब रहा है, और उसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि बुक्स की अहमियत को और इंटरनेट की अहमियत को उन्होंने क्या महसूस किया है। अस्सलाम वालेकुम। तो देखें, मैं पहले भी इधर आ चुका हूँ अक्सर, जो हर साल तकरीबन मैं, आज मेरा ये दूसरा साल है मैं इधर आया हूँ। यहाँ पे जो है ना, एक तो ये अच्छी जगह है, अगर आप आएँ आपके लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे आपको बुक्स एक से एक बुक मिलती है, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं वो आजकल बुक्स को छोड़ गए, मोबाइलों में ज़्यादा तवज्जो देने लग गए हैं, मोबाइलों को ज़्यादा अहमियत देने लगे हैं। लेकिन मोबाइल अपनी जगह ठीक है, लेकिन बुक्स को आप ज़्यादा अहमियत दें, क्योंकि बुक्स दीनी और दुनियावी मालूमात दोनों में बुक्स से ही मिलती है। तो लिहाजा आप बुक्स को ज़्यादा अहमियत दें, मोबाइलों को भी दें, वो अपनी जगह ठीक है और बुक्स अपनी जगह ठीक है। बहुत शुक्रिया अली। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची सेंटर में और हम अपने सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं यहाँ से टूटा था, हम बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे स्कूल के एक स्टूडेंट के फादर, और मैं जानने की कोशिश करता हूँ। सर, आपका गुड नेम? अमजद खान। सर, ये बताइएगा कि आपने जो आज विज़िट किया यहाँ पर, इस फेयर को देख के आप क्या फील करते हैं? देखिए, मतलब जैसे आपका स्कूल यहाँ पे स्टूडेंट्स को लेके आया, तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और ये हर स्कूल को लेके आना चाहिए, नो मैटर के वो इंग्लिश मीडियम है या उर्दू मीडियम है या गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। और इस किस्म के फेयर्स जो हैं, ये लाजमी नहीं कि बड़े स्केल पे हों, ये छोटे स्केल्स पे भी हो सकते हैं, और उसका डेफिनेटली बच्चों का इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो मतलब बचपन से ही ग्रो करना शुरू करता है। सर, आज आप क्या देखते हैं कि हमारे ज़माने में इलाकों में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, जहाँ स्टूडेंट्स जाके अपनी प्यास बुझाते थे, जहाँ इल्म हासिल करते थे, और आजकल के दौर में जो सोशल मीडिया ने हर चीज़ घर में प्रोवाइड कर दी, क्या आप समझते हैं कि आज के दौर में ये किताब की इतनी अहमियत मौजूद है? नहीं, बेशक सोशल मीडिया पे हर चीज़ जो है वो बच्चों से, इट्स जस्ट वन क्लिक अवे, मगर जो बुक पढ़ने का, जो बुक का एक एसेंस है ना, वो डेफिनेटली मिसिंग है इस जनरेशन के लिए। मतलब अब बहुत सी ऐसी बुक्स हैं जो मैंने अपने चाइल्डहुड में पढ़ी हैं, डेफिनेटली आपने भी पढ़ी होंगी, तो वो बुक पढ़ने का जो एक एसेंस है ना, वो नहीं है। आप स्क्रीन पर आपको वो नहीं आ सकता, उसका जो टेस्ट जो है बुक का, और वो चीज़ें मेमोराइज हो जाती हैं, वो लाइफ टाइम मेमोरी में रहती हैं, तो ये स्क्रीन से नहीं मेमोरी में रह पाती, क्योंकि स्क्रीन पे बड़ी स्पीड में आपका कंटेंट आगे भाग रहा है। तो स्लो रीडिंग, बुक से रीडिंग करना, ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है मेरी नज़र में, और डेफिनेटली ये रियलिटी में भी है। सर, आप क्या समझते हैं कि इस किस्म की नुमाइश करवा के, बुक शेयर करवा के, हम अपने माजी में बुक्स को अहमियत दिलवा सकते हैं? माजी की बुक्स को अहमियत दिलवाना एक अलग बात है, बात यह है हम उसको, वो प्रैक्टिसेस असल में हमने भी छोड़ दी हुई है,
अगर हम खुद स्क्रीन से जुड़ गए हुए हैं तो हमें वो प्रैक्टिसेस अपनी कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि हम ट्रेनर हैं अपने जूनियर्स के। अगर हम एक प्रैक्टिस को करेंगे तो डेफिनेटली जूनियर उसको फॉलो करेगा। तो ये बुक फेयर एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, बड़े लेवल पे, मिडिल लेवल पे, छोटे लेवल पे, हर लेवल पे। जैसे लाइब्रेरीज आपने बोला होती थी छोटी छोटी, जिसमें नॉवेल्स या स्टोरीज वगैरह भी मिलती थी, अब तो वो भी ऑब्सोलीट हो गई हुई हैं। तो हमें ये प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए ताकि जूनियर्स हमें देख के कॉपी करें और वो भी फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच बाबू।